दूसरा 5 सितारा बैंक इंडस इंड के बाद दूसरा ये बैंक वर्तमान में आज के डेट में 5 स्टार जो स्टॉक है वाइट स्टार आज के डेट में इंडसइंड बैंक के बाद ये दूसरा बैंक है एक्सिस बैंक जो 5 सितारा 5 स्टार लिस्ट में हमारे है। चलिए दोस्तों, क्यों है ये 5 सितारा स्टॉक, इसकी चर्चा तो करनी पड़ेगी ना, बताना पड़ेगा ना आपको। तो चलिए देख लीजिए, आज मत देखिए, आज तो ये आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि ये कमाई जो करके देगा आपने सोचा भी नहीं होगा दोस्तों। ये तो गिरना है, गिरेगा नहीं तो फिर उठेगा कैसे, तो गिरेगा तभी तो फिर उठेगा, जब गिरेगा ही नहीं तो फिर उठेगा कैसे दोस्त। तो गिरना तो ज़रूरी है, नहीं गिरे तो ऐसे ही खड़ा रहेगा स्टॉक, और जो स्टॉक खड़ा रह गया फिर उसमें आपको शेयर बाज़ार में मज़ा क्या। जब तक कि नीचे ऊपर हो नहीं तब तक स्टॉक मार्केट में आपको कभी भी कमाई नहीं होगी दोस्तों। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम आपको बता दें कि ये स्टॉक क्यों हमारे रडार पे आया है वो हम आपको जल्दी से बता दें बिना टाइम वेस्ट किए। हम बोलते हैं ज़्यादा है, काम कम करते हैं, आपको लगता है ऐसा तो इसमें हमारा कुछ भी दोष नहीं है, लगने दीजिए, आपको लगने से अच्छी बात है, आपको लगता है तो हाँ। चलिए आ गया, ये ढूंढ रहे थे। पहले तो ये देख लीजिए, आपको मैं ये दिखाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्टॉक जो है 2,95,000 करोड़ मतलब 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। प्राइस अर्निंग 27 है और आज जो ये ओपन हुआ है वो हम आपको बता दें 989 में 990 हाईएस्ट गया था, कोई उतार चढ़ाव नहीं, लास्ट में आकर गिर गया धड़ाम से, कितना 15 रुपया 1.5%, कोई बात नहीं है। एक महीना में आप कमाई किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, एक सप्ताह में कुछ नहीं किए, देखते रहिए, 6 महीने में किए हैं कितना 10%। अरे भैया 6 महीने में 10% कमाई किए हैं, 1 साल में देखते हैं दोस्तों, 1 साल में क्या किए हैं, 1 साल में कितना 32% कमाई किए हैं। चलिए जहाँ है वहीं है, 5 साल में 67%, ठीक है। मैक्सिमम जीवन भर में ये है इसकी चार्ट, और ये चार्ट इसलिए मैं आपको दिखा दिया, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपको। ये आप खुद ही देख लीजिए क्या कहता है, क्या कहता है बताइए। कहता है कि जो हम प्राइस पे हैं अभी, थोड़ा सा नीचे आएंगे, 100% नीचे आएंगे, आना तय है नीचे आएंगे, और जैसे नीचे आएंगे दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, ये बिंदी लगा रहे हैं, यहाँ बिंदी लगा दिए और एक बिंदी यहाँ लगा दिए, मतलब ऐसे आएगा और फटाक से ऐसे भागेगा, मतलब कि 35 रुपया डाउन होने के बाद ही दबा कर वहीं पे पकड़ लीजिए और दबोच लीजिए, जब तक गिरे नहीं तब तक आप खरीदते रहिए और ऊपर में जाकर बेच दीजिए फटाक से। राम जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सोचते रहे, आपका परिवार सोचते रहे, ईश्वर से हम यही कामना करते हैं। तो खरीदारी कितना पे करना है,
कितना में करना है, 961 है तो 890 रुपया पर। इंतज़ार करना है, अगर नहीं आता है तो 915 रुपया, उससे नीचे नहीं, और 1000 के पार जल्दी जाएगा। कौन सा ये है आपको, एक्सिस बैंक। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक कर दीजिए दोस्तों।